देश में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 चलाया जाएगा। पूरे देश में इसकी तैयारियां जोरों पर है। जमशेदपुर शहर को टॉप में लाने के लिए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अनोखी पहल भी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ शहर में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में अब क्या शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आ पाएगा? स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जिला कर रहा तैयारी, कर्मचारियों के लिए चल रहा सफाई मित्र सम्मान समारोह, दूसरे विभाग के लोग भी ले रहे सफाई अभियान में हिस्सा। डोर टू डोर कचरा उठाने वालों का किया गया सम्मान। दूसरी तरफ शहर में बढ़ गया है कचरा, कई जगह लगा कूड़े का ढेर, उठाव में परेशानी। अब सवाल यह कि कैसे शहर आएगा टॉप पर। लौह नगरी जमशेदपुर, क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी, पूरे देश में जमशेदपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में टॉप में लाने के लिए प्रशासन अपने कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर कई काम किए जा रहे हैं। पूरे राज्य में सिर्फ जमशेदपुर में पहली बार वातानुकूलित शौचालय बनाया गया। वाहनों से डोर टू डोर कचरा उठाव शुरू किया गया। शहर के सभी सड़कें चौड़ी की गई और सड़क किनारे पौधे लगाए गए। सड़कों पर दिन रात सफाई हो रही है। गंदी दीवारों के साथ सभी दीवारों पर अलग अलग पेंटिंग की जा रही है। शहर के चौक चौराहों पर बैनर के जरिए सफाई के प्रति जागरूकता। पूरे शहर को प्लास्टिक मुक्त और नशा मुक्त बनाया गया। हम यही सिखलाते हैं हमारे घर को कि ना गंदा करें ना गले देके, इसलिए कि हम जब साफ है तो हमारा वातावरण भी साफ होना चाहिए। हम यही कहते हैं कि अगल बगल आदमी तो यही समझाते कि गंदा मत दिखीजिएगा। लोगों ने सभी सफाई कर्मचारियों और जितने भी हमारे ऑफिस के कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, उनका सम्मान समारोह किया गया है। ये सम्मान समारोह हम लोग को बहुत दिन पहले ही करना था, बट कोरोना काल को देखते हुए हम लोग नहीं कर पाए थे। प्रशासन की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन शहर के कई इलाकों में इन दिनों कचरे का अंबार लगा हुआ है। मरीन ड्राइव तो कचरे से पूरी तरह से पट गया है। आम लोग परेशान है, लेकिन प्रशासन कचरे को निष्पादित करने की बात भी कह रहा है। 10 महीना हो गया यहाँ पर शहर का पूरा गंदगी, एक तरह से पूरे क्षेत्र को गंदगी कर रहा है। सोनारी जैसे अच्छे इलाके में, साफ सुथरा इलाका में मरीन ड्राइव बना था, उस समय में शायद कंपनी या सरकार का ये सोच होगा कि एक अच्छा वातावरण, लोगों को सुबह में मॉर्निंग वॉकिंग की व्यवस्था, साफ सुथरा इलाका देने का। लेकिन ये कचरा जब से डंप होने लगा है तब से यहाँ निकलना मुश्किल हो गया। इस कारण का प्लांट लगा लेंगे। इसके इतर भी हम लोग जो है 15th फिनांस से उसी जगह पे जो है वेस्ट टू कंपोस्ट, और उसके एक स्टेप आगे हम लोग जो है वेस्ट टू एनर्जी एंड वेस्ट टू बायो गैस का प्रोविजन ला रहे हैं। तो हम लोग जल्द ही उस पर जो है, जब वहाँ पे कचरा संधारित हो गया है उसको सेग्रीगेट करते हुए, उसको गीला कचरा को हम लोग कंपोस्ट बनाएंगे और सूखा कचरा को हम लोग रिसाइकलिंग करते हुए उसमें वेस्ट टू एनर्जी और बायोगैस बनाया जाए। 2022 में स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर टॉप पर आए इसकी हर कोई कामना कर रहा है, लेकिन प्रशासन को थोड़ी और मशक्कत करनी होगी। कम से कम कचरे का तो निदान करना ही होगा। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज और प्रभात की रिपोर्ट। तो ये तस्वीर आपने देखी, इसमें कई जगहों पर कूड़े का अंबार लगा हुआ आपको नजर आया, बड़े बड़े कूड़े के ढेर नजर आए। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि एक तरफ तो कुछ संगठन हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने शहर को स्वच्छता के पहले पायदान पर लाया जाए, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं क्या ये बताती हैं कि ये शहर स्वच्छता के पहले पायदान पर आ पाएगा? अगर नहीं तो फिर इसके भी निपटारे की जरूरत है। जब तक ये तस्वीर नहीं बदलेगी तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट में जमशेदपुर पहले नंबर पर आएगा। तो कोशिशें जारी हैं और जो कोशिश करते हैं जीत उन्हीं को मिलती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।